काल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूर तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़िया है, पाने के लिए पूरा विश्व है। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, दलित पिछड़े वंचित आदिवासी और जिनके जो विषमता के शिकार है, जो विषमता के शिकार है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सारे लोग न्याय की इस लड़ाई को, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाए, फिर पूरा भारत तुम्हारा है। पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने कई हजार युवाओं को ट्रेनिंग देकर पुलिस में और आर्मी में भर्ती करवाया, जिन्होंने पिछले 1.5 महीने के अंदर केवल गुजरात के अंदर कम से कम 25,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में 34 साल की उम्र में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन के लिए पूरे गुजरात के कण कण के अंदर बुद्धिज्म को पनपा दिया, उनको प्रशस्ति पत्र गुजरात की सरकार की तरफ से मिला और रात को बाहर से लेट चले गांधीनगर से पोरबंदर के लिए और सुबह 4:15 बजे के करीब एक डिवाइडर में गाड़ी टकराई दिखाई गई है, आगे का शीशा टूटा और वो गिरे दिखाए, उनको फिजिकल चोट ज्यादा नहीं है, पैर टूटा है, उसकी फोरेंसिक जांच करवाई है, कल पोस्टमार्टम हुआ, कल रात को उनका अंतिम संस्कार हुआ। लाख कोशिश करने के बावजूद कोई साधन ऐसा उपलब्ध नहीं हो पाया कि मैं अंतिम संस्कार में जा पाऊं। 11 तारीख को उनकी शोक सभा, हम उसमें सब लोग जाएंगे, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन उनकी उनके भाई का मुझे परसों फोन आया जब मैं लखनऊ में था, उनके भाई ने कहा सर ये भाई का निर्देश था, ये कारवां रुकना नहीं चाहिए, चाहे मैं मर जाऊं कुछ हो जाऊं कारवां नहीं रुकना चाहिए। रोते हुए उसका भाई कह रहा था मेरे से, सर मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के क्रांतिकारी योद्धा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही देश के कोने कोने में पैदा हो गए हैं, हमें इसका गर्व है। वरना जिसका जवान भाई चला जाए रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है, वो मिशन मूवमेंट की बात नहीं करता, लेकिन वो रोते रोते कह रहा था ये भाई का सपना था, बाबा साहब का मिशन रुकना नहीं चाहिए। वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हैं, अगर जोगदिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां रुकना नहीं चाहिए। ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को बहुत से लोग कुर्सी की लड़ाई बताना चाहते हैं, यह लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मिशन मूवमेंट के लिए, इस 22 प्रतिज्ञाओं के लिए, एक तो क्या हजारों कुर्सी कुर्बान करनी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं, और कुर्सियां तो छोटी चीज है, अगर जान कुर्बान करनी पड़े तो हम जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हैं। आप नाम के नारे मत लगाइए, ये गलती मत दोहराइए, जब जब हम लोग व्यक्ति को मजबूत करते हैं तो व्यक्ति मजबूत होता है, जब हम विचारधारा को मजबूत करते हैं तो विचारधारा मजबूत होती है। व्यक्तियों को मजबूत करना छोड़ दो, व्यक्ति कल को बिक सकता है, मर सकता है, धोखेबाज निकल सकता है, समाज को धोखा देकर भाग सकता है, और किसी मजबूरी में चुप्पी साध कर बैठ सकता है। इसलिए हमें व्यक्तियों को ताकत नहीं देनी है, हमको अपने समाज को ताकत देनी है। बाबा साहेब की विचारधारा को मजबूत करना है, तथागत बुद्ध की विचारधारा को मजबूत करना है। ये विचारधारा किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए नहीं है, ये विचारधारा समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के लिए है, ये प्रज्ञा के ऊपर आधारित ज्ञान के लिए है, ये करुणा के लिए है, मैत्री के लिए है। और जो लोग न्याय की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग मानवता की लड़ाई ना लड़ सके, जो लोग इंसान इंसान में भेद पैदा करते हैं, जो लोग हमारे लोगों की मूछ रखने पर हत्या करते हैं,
जो लोग हमारे बच्चों के घड़ा छूने पर हत्या करते हैं, जो लोग मंदिरों में प्रवेश करने पर मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोगों ने जवाब देना है। 50 लाख तो दूर की बात है, आप जितना मर्जी तैयारी कर लीजिए, एक राजेंद्र गौतम के गर्दन को काटोगे तो 1 करोड़ पैदा होंगे, 1 करोड़ पैदा होंगे। आप मारिए कितने लोगों को मारोगे, हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई राजेंद्र गौतम की लड़ाई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन लोग हैं जिनकी हत्याएं हुई। अभी कल एक घटना आई है, आप लोगों ने देखी होगी, वो भी राजस्थान की घटना है। एक दलित व्यक्ति ने हैंडपंप को छू दिया, हैंडपंप छूने मात्र से उसको इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई। ऐसा भारत बनाना चाहते हो क्या? अरे मुझे एक एग्जाम्पल पूरे दुनिया में से निकाल के बता दो, केवल एक एग्जाम्पल, कि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड की जरूरत है, और उसने ये कहा हो कि मुझे 20 यूनिट ब्लड डोनेट करवा दो, लेकिन ब्लड केवल ब्राह्मण का होना चाहिए, या क्षत्रिय का होना चाहिए, या वैश्य का होना चाहिए, या हिंदू को होना चाहिए, या मुस्लिम का होना चाहिए। जब जान बचानी है तो कहते किसी से भी ब्लड डोनेट करवा दो, तो फिर ये जाति कहां से आ गई? पूरे दुनिया के अंदर जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, रशिया में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, स्पेन में जाति नहीं है, अमेरिका में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है। जब पूरे दुनिया में जाति नहीं है तो जाति केवल भारत में क्यों है? और ये जातियां किसने बनाई, और जातियों के बनने से किसको फायदा हुआ, और जातियों के बनने से किसको नुकसान हुआ? जिनकी मूछ रखने पर हत्या की जा रही है, क्या वो हत्या जाति की वजह से नहीं हुई? जाति की वजह से हुई है ना। जिनको घड़ा छूने पर हत्या हुई है, मंदिर प्रवेश पर हत्या हुई है, मूर्ति छूने पर हत्या हुई है, मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म क्या था? मैं पूछना चाहता हूं उनका धर्म और जाति क्या थी? अगर आप कहते हो कि आप बौद्ध बना रहे हो, आप हिंदुओं को अल्पमत में पहुंचा रहे हो, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप अगर हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो उनकी मूछ रखने पर हत्या क्यों करते हो? अगर आप हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो उनको घड़ा छूने पर उनकी हत्या क्यों करते हो? अगर आप हमारे लोगों को हिंदू मानते हो तो मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छूने पर उनकी हत्या क्यों करते हो? अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर उनकी हत्या क्यों करते हो? और अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हम जब अपने भाई बहनों की लड़ाई को लड़ते हैं, उस न्याय की लड़ाई को लड़ते हैं, तो आप लोग जातिवादी बनकर उन अपराधियों के फेवर में मां पंचायत करके क्यों खड़े हो जाते हो? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हमारी लड़ाई में, इस मानवता की लड़ाई में, आप हमारे साथ मिलकर इस लड़ाई को क्यों नहीं लड़ते हो? यह नफरत कब तक चलेगी? ये नफरत केवल राजेंद्र गौतम को या हमारे समाज के लोगों को नहीं, ये नफरत पूरे भारत को जला के राख कर देगी। हम लोग भारत को बचाने आए हैं, हम लोग भारत को बचाने आए हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हैं, हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम अपने लोगों को जाति की गुलामी से बाहर निकालकर अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लाना चाहते हैं, तो इसमें आपको तकलीफ क्यों है? जिन पुरोहितों के इनकम के स्रोत बंद हो जाने वाले हैं, उसको हो जाने दो, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? उनको परेशान होने दो ना, ये पैसा बचेगा। जो वहां चढ़ावे में चढ़ता है, चंद लोग मोटे पेट वाले हो गए, वो लोग जो धमकी दे रहे हैं उनके वीडियो देखिए, कितने मोटे मोटे तगड़े तगड़े लोग हैं, वो किसका खून पी के इतने मोटे हो गए? उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? जो 50 लाख का गर्दन काटने का जो सुपारी दे रहे हैं, इस बात की अभी तक मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, मैंने गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी, मैंने एरिया के DCP को, SHO को चिट्ठी लिखी, मैंने उपराज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखी, सब जगह चिट्ठी लिखने के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं, मैंने उसमें मांग की है कि ऐसे नकली साधुओं के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज करके उनके किन आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध है इसकी जांच कीजिए, उनके पास यह करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है इसकी जांच कीजिए। लेकिन अभी तक ना तो पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया, और अभी 15 ही दिन हुए हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट को आए हुए, जिस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है
जो लोग हेट स्पीच देते हैं या धमकी देते हैं, इस तरह के भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को खुद मुकदमा दर्ज करना होगा। चाहे कोई कंप्लेंट आए ना आए, पुलिस की जिम्मेदारी है वो मुकदमा दर्ज करे। और अगर पुलिस ये मुकदमा दर्ज नहीं करती, जिम्मेदारी नहीं निभाती, तो कोर्ट खुद सू मोटो उनके खिलाफ एक्शन लेगा, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, उनके खिलाफ कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कब करेगा। क्या कार्रवाई करते वक्त भी लोगों की जाति और धर्म देखी जाएगी या उनका भाषण देखा जाएगा, उनके भड़काऊ भाषण देखे जाएंगे? इसका भी परीक्षण होना है कि कोर्ट से हमारे लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या हमारे लोगों को फिर कोर्ट के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी आकलन हमारे लोगों को करना है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, लोगों को तकलीफ क्यों है? अगर हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में वापस आ रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों है? अगर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी होती तो पूरे दुनिया के अंदर तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था को लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा? लेकिन बुद्ध का धम्म तो भारत से पैदा हुआ, पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकारा। वो अपनी अच्छाई की वजह से फैल रहा है। बुद्ध का धम्म किसी लालच से या प्रेशर से नहीं फैल रहा, बुद्ध का धम्म अपनी अच्छी भावनाओं से फैल रहा है, अपने अच्छे आचरण से फैल रहा है। मानव कल्याणकारी धम्म है जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री है, जिसमें पूरी दुनिया के लिए मानवता और शांति का संदेश है। जो संदेश बुद्ध के धम्म का भारत से पूरी दुनिया में गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया के अंदर 56 देश बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, 128 देशों में बौद्ध धर्म है। और एक और बात बता दूं, अभी यूएनओ का जो रिपोर्ट आई है, 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा, आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। और यह भी रिपोर्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अंदर पहले के अंदर क्रिश्चियनिटी है, दूसरे नंबर पर बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जितनी तेजी से वहां लोग बौद्ध बन रहे हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने वाले 15 साल के अंदर क्रिश्चियन से ज्यादा बौद्ध हो जाएंगे। तो बौद्ध धर्म किसी लालच से और ताकत से धमका कर नहीं फैलाया जा रहा, अपनी अच्छी शिक्षाओं के लिए, मानव कल्याणकारी योजनाओं की वजह से, अपने अच्छे आचरण की वजह से फैल रहा है। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं साथियों, इस लड़ाई को, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, ये लड़ाई भारत को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे लोगों के रोज रोज जो जाति और धर्म की वजह से हत्याएं हो रही है उस हत्याओं को रोकने की लड़ाई है, ये लड़ाई अपनी बहन बेटियों की इज्जत और मान मर्यादा की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे समाज के स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने समाज की इस मान मर्यादा की स्वाभिमान की लड़ाई को क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है तो एक बार दोनों हाथ उठा के समर्थन दीजिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बौद्ध धम्म की क्या पहचान? बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा, बाबा साहेब की अंतिम इच्छा। साथियों, एक और सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूं। देश के अंदर जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो देश की योजना बनाने का काम करते हैं, उसके अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग उसके अंदर 2% भी क्यों नहीं है? और अगर 2% भी लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग नहीं है, तो फिर वो जो सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पॉलिसी बनाते हैं, क्या वो आप लोगों के फेवर में कोई पॉलिसी बनाएंगे? अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर हमारे प्रतिनिधि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग अगर अनुसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है, तो क्या हम वहां न्याय की उम्मीद कर पाएंगे? क्योंकि जो जजमेंट अभी आया है EWS के ऊपर, आपने देख लिया होगा, संविधान तो कहता है 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। आर्टिकल 15(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, बट 2000 मोर रिप्रेजेंटेड, 2000 नॉट लेस रिप्रेजेंटेड बट मोर रिप्रेजेंटेड, 2000 नीदर सोशली नॉर एजुकेशनली बैकवर्ड।
then how they are entitled to get benefit of reservation? But even in spite of all these legal provisions, Honorable Supreme Court has given verdict in favor of this 10% EWS reservation. और उसके अंदर क्लियर है EWS रिजर्वेशन में एससी एसटी और ओबीसी के लोग अप्लाई नहीं कर सकते. क्यों भाई? उनको क्यों नहीं कर सकते? क्या उनकी 8 लाख से ज्यादा इनकम है? यानी आपको समझना पड़ेगा साजिश किसी एक कॉर्नर पे नहीं है, भारत के चप्पे चप्पे पर अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ साजिश रची जा रही है. हमारी गलती है कि हम सच को ना तो जानते हैं और ना मानते हैं. हम ये तो कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते. अगर हम लोग बौद्ध बन गए होते तो आज भारत के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा बौद्ध होते, आप बहुसंख्यक होते, योजना भी आप बनाते, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी भी आपकी होती. मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो जल जंगल जमीन है या खेती की जमीन है या प्राकृतिक संसाधन है, क्या कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? भाई बताइए ना, क्या खेती की जमीन कोई अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? क्या देश के प्राकृतिक संसाधन कोई क्या अपनी माँ के पेट से लेकर पैदा हुआ है? अगर माँ की पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो केवल वही लोग उसके मालिक क्यों है? हमारे लोगों का उसमें हिस्सा कहाँ है? कौन लोग है जो हमारे हिस्से को खा रहे हैं, हजारों साल से खा रहे हैं? अब इस लड़ाई को हिस्सेदारी की लड़ाई बनाना पड़ेगा. हमें देश के संसाधनों में, जल में, जंगल में, जमीन में, कोर्ट में, न्यायालय में, हर जगह, डिफेंस में, हर जगह अब अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई को लड़ना होगा. और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि हमारे लोगों पर जो उत्पीड़न पूरी तरह से बंद हो जाए, इसीलिए मैंने ये अपना रिजाइन किया है. क्योंकि अगर मैं मंत्री बने रहता तो मैं हो सकता है 2.5 साल और मंत्री रहता, हो सकता है दोबारा सरकार बनती फिर मंत्री बन जाता. लेकिन हमारे सीनियर नेता, जिनको हम बड़े इज्जत से कहते थे कि ऊपर नीचे जमीन, ऊपर आसमान और पासवान पासवान, वो तो मरते दम तक मंत्री रहे. तो मंत्री बने रहने से अगर समाधान हो जाता, राष्ट्रपति बनने से अगर समाधान हो जाता, मुख्यमंत्री बनने से अगर समाधान हो जाता, तो मैं पूछना चाहता हूं अपने सारे साथियों से, बहनों भाइयों से, बताइए, दो दलित राष्ट्रपति बन गए और एक अनुसूचित जाति की महिला राष्ट्रपति बन गई, 3-3 राष्ट्रपति बन गए, क्या हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो गया? देश में पिछड़े वर्ग के कई कई मुख्यमंत्री बन गए, अनुसूचित जाति की भी मुख्यमंत्री बन गई, हमारे उप प्रधानमंत्री भी बन गए, अनेकों मंत्री हैं, तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान मंत्री बनने से, राष्ट्रपति बनने से, मुख्यमंत्री बनने से हो जाता है क्या? इसलिए नहीं हो रहा, चूंकि हम लड़ाई को सही दिशा में नहीं लड़ रहे. हमारी संख्या बताती है कि देश के अंदर, क्या पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं? अगर सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं, इसका मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की शक्ति हम अपने अंदर रखते हैं. बस करना सिर्फ इतना है, अपनी इस कंज्यूमर ताकत को पहचानो, अपनी इस आर्थिक ताकत को पहचानो और अपने समाज के लिए आर्थिक नीतियां, सरकारें बनाने वाली नहीं है, लेकिन हम अब अपने समाज की आर्थिक नीतियां भी तैयार करेंगे, अपने समाज को हर क्षेत्र में तैयार करेंगे. अब हम रुकने वाले नहीं है, हमने रिजाइन इसलिए किया है ताकि समाज की लड़ाई को, अपने गौरव के लिए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए, अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, अपने समाज के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, हम लोग कुर्सी पर रह के शायद उतनी धार ना दे पाए, लेकिन अब पूरा देश हमारा है. कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़िया है, पाने के लिए पूरा विश्व है. वही मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, दलित, पिछड़े, वंचित, आदिवासी और जिनके जो विषमता के शिकार है, जो विषमता के शिकार है, जिनके साथ अन्याय हुआ है, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, वो सारे लोग न्याय की इस लड़ाई को, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाएं, फिर पूरा भारत तुम्हारा है, तुम ही देश के हुक्मरान बनोगे. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ और कहता हूँ, तो अभी तो हमने केवल ये कॉल, केवल वीडियो डाल कर दी थी, अभी हमने कोई वैसे तैयारी नहीं की कि गली गली में छोटी छोटी सभाएं की हों, लेकिन आगे अब गली गली में पूरे देश के अंदर सभाएं होंगी और जोगदिया जी के कुर्बानी को, हम बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे, अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे. हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर निकम्मा और नाकारा औलाद नहीं है, हम उनके काबिल बच्चे बनकर दिखाएंगे, हम अपनी पूरी वफादारी का सबूत देकर दिखाएंगे, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम इस लड़ाई को जीतेंगे. जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम. अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, सब लोग पीछे वाले भी ध्यान से सुनना, ये लोग चाहते हैं हमारे लोगों को भावनाओं में भड़का कर, हम किसी तरह संविधान के रास्ते को छोड़कर
संविधान के खिलाफ कोई भावनाओं में बहके लड़ाई लड़े, ताकि ये लोग हमारे लोगों पे मुकदमे बना के उनको कोर्ट के चक्कर में उलझा दें। लेकिन हम अपने लोगों की लड़ाई को इतने बेहतरीन तरीके से लड़ेंगे जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़के, अपनी बुद्धि और विवेक से काबिल से लड़के जीत हासिल की थी। हम भी इस लड़ाई को अपनी एकता से, बुद्धि और विवेक से लड़ेंगे और हम लोग जरूर इस लड़ाई को जीतेंगे। साथियों, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।